नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू होटल गुरुजी चैनल अगेन। और क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मेरे दिल से धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। आपने मेरे को इतना आगे बढ़ाया और मेरे को मोटिवेट कर दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो हमेशा बनाऊंगा, ठीक है? और मैं कहना चाहता हूँ कि आगे भी आप सपोर्ट करते रहें और ऐसा ही साथ देते रहें मेरा आगे और चलें। और मैं आज एक कल एक क्वेश्चन आया था, मैं लाइव आया था कल, तो आज मैं उसका एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था मेरे को, तो उसका जवाब भी दे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो चिकन की शेल्फ लाइफ होती है कितनी होती है, जो चिकन की शेल्फ लाइफ है, चिकन की शेल्फ लाइफ जो फ्रेश चिकन है, फ्रेश चिकन जो होता है उसकी शेल्फ लाइफ होती है जो नॉर्मल फ्रिज में होती है 1 से 2 दिन। और अगर आपने फ्रीजर कर दिया है, अगर फ्रीजर में डाल दिया है तो उसकी शेल्फ लाइफ हो जाएगी 1 साल की, ठीक है? और जो बॉयल चिकन होता है, कुकेड चिकन होता है, कुक करा हुआ चिकन जो होता है उसकी लाइफ होती है, उसकी लाइफ 7 से 8 दिन होती है जो नॉर्मल फ्रिज में है, 7 से 8 दिन होती है। और अगर आप उसे फ्रीजर में डाल देंगे, फ्रीजर में पका पका के फ्रीजर में डाल देंगे तो उसकी लाइफ हो जाएगी 1 साल की फिर, ठीक है? और अब आते हैं रोस्टेड चिकन पे। जो रोस्टेड चिकन होता हमारा उसकी लाइफ होती है 7 से 8 दिन उसकी लाइफ होती है नॉर्मल फ्रिज में, ठीक है? पर उसकी जो फ्रीजर की लाइफ है, फ्रीजर की लाइफ होती है 7 से 8 महीना, उससे ज़्यादा नहीं होती है। 7 से 8 महीने बाद वो ख़राब हो जाएगा। और एक बात आपको और बता दूँ मैं, जो भी चीज़ आप फ्रोजन जब वो आप डीप फ्रिज में डालेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल मतलब चेंज हो जाएगा, ख़राब तो नहीं होगा पर चेंज हो जाएगा टेस्ट। कभी भी आप फ्रोजन चिकन यूज करें तो उसका जो टेस्ट होता है, जो फ्रेश चिकन का टेस्ट होता है वो अलग होता है और जो फ्रोजन चिकन का टेस्ट होता है वो अलग हो जाता है, मतलब जो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, ये मैंने आपको बताना था। तो चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आजकल मैं फूड की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फूड की वीडियो में आजकल मैं अभी बिजी हूँ ज़रा, थोड़ा कहीं हूँ और फूड की वीडियो के लिए थोड़ा किचन सेटअप नहीं है मेरे पास। अभी किचन सेटअप होगा तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए फूड की वीडियो भी लेके आऊँगा अच्छी अच्छी। नॉन वेज की वीडियोज़ आने वाली है, अब पहले मैं वेज की बना रहा था, अभी नॉन वेज की बनाने वाला हूँ। सारी नॉन वेज की एग सारी वीडियो में लेके आने वाला आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी। थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें मेरे को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और मेरे को एक दिक्कत भी आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी जो 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप कोई भी वीडियो देखें तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी जाके कमेंट करें और लाइक करें, जो भी है आप उसी की बात करें, और सब्सक्राइब कर उसी की बात करें जब आप पूरी वीडियो देख लें। मेरा इतना ही आपसे निवेदन है। और सेफ रहिए, आजकल बहुत बीमारी चल रही है इंडिया में, आपको पता ही है, तो आप अपने घर में सेफ रहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाहर जाएं आप कभी भी तो मास्क पहन के जाएं, बिना मास्क पहन के बाहर ना जाएं। और आप अगर अपनी ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहते हैं तो एक ही जगह 2 मास्क पहन के जाएं बाहर कभी भी जाएं, क्योंकि एक मास्क जो हमारा मेडिकल मास्क है एक वाला, वो इतना वो नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप 2 मास्क पहन सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर में रहिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो। बाय बाय।